आओ आराम से देशमुख। एनिमी जोन होना चाहती है क्या? ये छुई हुई वंडर। हेलो। हाँ पवार। आहिर वहीं कहीं होगा, ध्यान से ढूंढो। नहीं नहीं एक काम करो, 3 जीप लेके अलग अलग डायरेक्शन में जाओ, ठीक है? कुछ भी होता है तो मुझे फोन करो। अजीब, क्या बच्चों की तरह चला रहा है तू रचे? छोटा सा कट है, अब अगर क्रीम लगाऊंगी टेप लगाऊंगी तो जलेगा ना थोड़ा सा। ऑब्वियस सी बात है। लिसन, मैं तेरे हब्बी की तरह ना सुपर कॉप नहीं। Answer, ये जो इतना स्वैग दिखा रही है ना, कॉलेज टाइम पे एक बूंद खून देख के फ्लैट हो जाती थी, मतलब टोटली पास्ड आउट। आई गेस आपके साथ रह के थोड़ा टफ नट बन गई है। ए रचित, कुछ भी है मतलब बकवास मत कर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कब थोड़ा सा खून देख के पास आउट हो गई? हाँ एक बार हुई थी, याद है मुझे, जब ना मैंने पहली बार वैक्सिंग करवाई थी। आओ, और इसीलिए वैक्सिंग करानी छोड़ दी। मतलब? I can see your मुच्छी। रचित, चुप करा। कोई मुच्छी मुच्छी नहीं है मुझे। No no no, really। देख, मुझसे भी बड़ी-बड़ी मुच्छी है तेरी। आ आ लगी 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 लगी। अच्छा वो ऐसे ही होना चाहिए। मुझे ठीक कर रही है, तोड़ रही है। बाबा। हाँ। आई आपके साथ तो इतना हस्ती ही नहीं है। वो रचित की बेस्ट फ्रेंड है। हमारी बेस्ट फ्रेंड तो गई। ज़्यादा लगी नहीं ना? वैसे ना तुम सही वक्त पर पहुंचे हो वहां। आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान बच गई। थैंक यू। नहीं आंटी, हीरो तो हमारे सर है। अगर राइट टाइम पे ये कार्ड को पुश नहीं करते तो हम दोनों को बहुत चोट लगती। लाइक मेजर वन। पानी? प्लीज डोंट माइंड आंटी, मैं एक पानी नहीं पी सकता। क्यों? एक्चुअली आंटी मैं यूएस से आया तो यहाँ का पानी ना सूट नहीं करता, प्लीज डोंट माइंड। रचित तू तो यूएस जाके एकदम प्रिंसेस टाइप का हो गया। वॉच इट। डरती हूँ? हाँ पिल्लू, आई आई कल्याणी, देखो ना पिल्लू क्यों रो रहा है। मैं इसका ख्याल रखती हूँ। हाँ। जल्दी जा बैठो ना, आराम से बैठो, आराम करो। हाँ जी, इट्स ओके। नानी, मेरे को भी यूएस का पानी पीना है, पिलाओ। नहीं नहीं तुम ये लो, ये पानी पियो। नो थैंक यू। अंकल मैं आपको हीलो अंकल बुलाऊंगा, यूएस वाले हीलो अंकल। मल्हा जी रो, ये तो रो रहा था ना। क्यों रो रहा था फिर? आंख खुली होगी कोई, आसपास दिखा नहीं तो रोने लगा। टाइम हो गया ना अब। मल्हा जी रुकिए, अब आपके घाव पे क्रीम लगानी है मुझे, शर्ट उतारी अपनी। मैं ठीक हूँ कल्याणी, थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं, देखिए मल्हार जी शर्ट उतारिए, मुझे फिर से क्रीम लगाने दीजिए। आप रुकिए, मुझे मुझे क्रीम लगाने दीजिए अच्छे से। कल्याणी। मल्हार जी, रचित ने थोड़ा सा ये क्या कह दिया? क्या आप बहुत ही सुपर हीरो है, तब से आप सच में खुद को सुपर हीरो ही समझने लगे हैं। अरे इंसान है आप, देखा है मैंने कितना बड़ा घाव है वो। कल्याणी देखो तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा, इतनी कोई परेशानी। सॉरी मल्हार जी, वो मल्हार जी देखिए हम सॉरी, मुझे गलती हो गई, मैं वापस ऐसा नहीं करूंगी। मल्हार जी आप मुझे माफ कर दो, मैं सॉरी। ड्रामा बंद करो और दवाई लगाओ। पक्का? Thank you.
अब जैसा भी रास्ता टूटेगा ना वास्ता ना रहेगा फासला जी, मैं आपके लिए दूसरी शर्ट लेके आती हूँ। कल्याणी, नहीं। इसी का बटन सी देती हूँ। अहीर के बारे में कुछ पता चला? हाँ? I still can't believe कि आहिर को मेरे ड्राइवर की जॉब मिली कैसे? डोंट वरी आंटी, मैंने अपनी सेक्रेटरी से बात करी है, वो सब कुछ पता लगा के मुझे बताएगी। मेरे तो खुद समझ भी नहीं आ रहा है ये सब क्या चल रहा है। जब तक ये आहिर पकड़ा नहीं जाता ना, तब तक कल्याणी, मल्हार और मोक्ष के सर पे ये खतरा तो मंडराता रहेगा। चलो रहने दो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पोहा बना कर लाती हूँ। आंटी आंटी, रहने दीजिए ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? बॉस तुम ऑफिस में हो, यहाँ नहीं। पोहा खाए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। ओ, अरे बेटा तुम आ भी गए। अंकल आप बैठो, मैं मल्हार का पिता हूँ। बैठो बैठो। हेलो अंकल। अरे बैठो, तुम अकेले आए हो? मतलब तुम्हारे माँ बाप नहीं नजर आ रहे? अच्छा समझ गया मैं, वो तुम आज के जमाने के लड़के हो जो रिश्ते की बात करने खुद ही चले आते हो। माफ करना बेटा, हम थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। अंकल रिश्ता आपका मतलब है कि वो शादी वाला रिश्ता? बाबा ये रचित है, कल्याणी के साथ स्कूल में पढ़ता था। अरे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ अलग ही समझ बैठा। It's totally okay. माधव जी, आप स्वरा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? हाँ, मैंने ही आउटसाइड से बात की है, वो वर वधु सम्मेलन वालों से बात करने वाली है स्वरा के रिश्ते के लिए। मल्हार तुम क्यों बोल रहे हो बहू को? मैंने ही बहू से कहा था स्वरा की शादी तय करने में मेरी मदद करो। बाबा आपकी तबीयत अभी ठीक भी नहीं हुई है, और आप क्यों बिना बात की टेंशन ले रहे हैं? स्वरा कर लेगी शादी जब उसकी मर्जी होगी। बाबा मुझसे पूछ चुके हैं दादा, और अगर बाबा को मेरी शादी से खुशी मिलती है तो मुझे मंजूर है। बबली। स्वरा। अनुप्रिया, अरे तुम चिंता मत करो, एक बार शादी हो जाएगी ना तो स्वरा सारी पुरानी बातें भूल जाएंगी। By the way, if you want, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कैसे? मेरी कंपनी में कुछ अच्छे एम्प्लॉयज हैं जो अनमैरिड भी हैं। एक सेकेंड। अलेखा, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनके फॉर्म में लिखा हुआ है सिंगल, उनकी सारी डिटेल्स मुझे मेल करो अभी। अरे
नानी मुझे दूध पीने के लिए बोल रही। ओके रचित, मैं पता करती हूँ। कौन बोल? कौन बोल रहा है? कौन? हूँ? अच्छा? कौन बोला? कौन बोला? तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है ना? हाँ? कौन बोला? बोला था कोई? बोला था? बोल। रचित, मैंने तुम्हें मेल भेज दिया है। क्या मैं तुम्हारे लिए और कुछ कर सकती हूँ? All right, thank you. यहाँ पे तो एपिक सीन है बॉस। आप सब अलेक्सा को देखना चाहते हैं? ऑलराइट। ये है अलेक्सा। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास हर क्वेश्चन का आंसर है और ये छोटे से छोटे काम खुद कर देती है। आप कहना चाहो तो इसे, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। इसका मतलब ये हमारी बात भी मानेगी? आप ट्राई करके देख लीजिए। अलेखा चलो हमारा आंगन साफ करो, कचरा कहीं भी नजर नहीं आना चाहिए। माफ कीजिए, ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। बड़ी बड़ी दादी, ये कोई आपकी बहू नहीं है जो सारा आंगन साफ करने लग जाएगी? पर मेस वाला, कैसी कैसी बातें गलती है ये। मैं बात करता हूँ। अलेखा आंटी, जैक एंड जिल सुनाओ ना। जी बिल्कुल। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। क्या मस्त गाई थी। वाओ, है ना? देखा मेरे से कितने प्यार से बात करती है, बहुओं की तरह नहीं। हाँ बबरी, देख मैं जानता हूँ कि शादी का फैसला तूने बाबा की खुशी के लिए लिया है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। ये कुर्बानी कोई दो चार दिन की कुर्बानी नहीं है, शादी जिंदगी भर के लिए होती है। अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो तू बस मुझे बता दे, मैं बाबा को समझा लूंगा। मन तो कभी नहीं करेगा दादा, क्योंकि अभी आपने कहा ना कि शादी तो जिंदगी भर के लिए होती है, तो जो जिंदगी भर का वादा मैं शाम के साथ कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे भुला दूं? कैसे? ऑल द बेस्ट कल्याणी। BFF रचित, रचित ये तूने किया है? How cute! Hey, cute नहीं बोलना, okay? Hot, handsome, dashing, lit, super, कुछ भी बोलो, but cute नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो तुझे cute ही कहूँगी। रचित, तू कितना cute है। That's why I hate you. मैं तुझे और आंटी को कल ऑफिस में मिलूँगा, okay? Listen, मुझे याद आया, आज फ्राइडे है ना? हाँ। कौन सी मूवी देखने जा रही है? मूवी? ओह, फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। नहीं यार, अभी थोड़ी ना वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला क्रेज है, और वैसे भी अभी सारी मूवीज ऑनलाइन आ ही तो जाती है इतनी जल्दी, तो फिर क्यों मैं टिकट और पॉपकॉर्न में अपने पैसे खर्च करूं? तू देशमुख ही है ना? हाँ। भूल गई, हर फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट मूवी, तेरा रूटीन टूट गया। हाँ। आपको पता है आए फ्राइडे को पिक्चर देखने जाती है, कैसे बेस्ट फ्रेंड हो आप, आपको कुछ पता ही नहीं है। एनीवे, आई विल कैच यू लेटर। बाय सर, सी यू। बाय बाय हीरो। बाय बाय। बाय। मेरे बाय का जवाब? अथर्व, बाबा मस्त गाड़ी है, मेरे को भी चाहिए यही बड़े होके। हेलो
अहि जो गाड़ी लेके गया था वो मिल गई है? कहाँ? गोंदिया? अरे गोंदिया तो नक्सलवादी एरिया है ना? ठीक है। कैसे हैं आप सार्थक जी? घर कब आएंगे? काम खत्म हुआ कि नहीं? हम कब से देख रहे हैं, तुम सिर्फ लिख रही हो, भेज नहीं रही हो, क्यों? एक बात याद रखो, औरत का दिल मर्द से बड़ा होता है, वो उससे प्यार भी ज्यादा करती है और माफ भी आसानी से कर देती है, इसलिए ज्यादा सोचो मत। चलो चलो भेज दो, भेज दो। रहने दीजिए साहब, वो काम से परेशान रहेंगे ना। अरे मैं जानता हूं बहू कि मल्हार मेरे फैसले से खुश नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्वरा कि जिंदगी में कोई लड़का आ जाए तो शायद खुश हो जाए। तुम ही कह रही थी ना वो तुम्हारे कॉलेज का दोस्त रचित, उसे कंपनी में कोई लड़के हैं रिश्तों के लिए। हाँ मामन जी, और पता है वो तो इतना हिंदू हो गया है ना, इतनी सारी प्रोफाइल्स ऑलरेडी वो मुझे सेंड कर चुका है और उसने कहा है कि और भी सेंड करेगा। अरे हाँ, कौन? नहीं नहीं तुम्हें काम करो, गोंदिया का इंचार्ज कौन है उससे पहले मेरी बात कराओ। हाँ दोपहर से पहले। कुछ पता चला आहिर का? फिलहाल तो नहीं। सब ठीक है बाबा। काश अपने बड़े भाई के साया में बड़ा होता है, तुम्हारे पैर की छोटी उंगली के बराबर भी गुण उस नालायक में होते ना तो उसकी जिंदगी सवर जाती। मल्हार जी, कल्याणी मैं कैसे सब ठीक कर दूं? सब ठीक हो जाएगा। थर ना, इसकी शरारत ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मल्हार जी। तुमने शह दी है उसको? ऐसा कुछ नहीं, आज तो नहीं छोड़ने वाली मैं। अथर अथर, करता है ना ये लड़का। अतर देखो बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो मैं बहुत मारूंगी तुम्हें।